إياك نعبد وإياك نستعين. मैंने आपसे मेरे पाकिस्तानियों कल बात करनी थी, लेकिन जब मैं घर वापस पहुंचा तो जो मेरे घर का हाल था या जो जिस तरह का घर में तबाही थी, जो लूटा गया घर मेरा, जो चीज़ें तोड़ी गई, उसमें से तारें भी तोड़ी गई हैं, तो इसलिए मैं रात आपसे बात भी नहीं कर सकता और वैसे भी इस कमरे में बैठना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी इस किस्म की टेयर गैसिंग घर में थी कि हमारे से अभी तक आंखों में उसका असर है, तो इसलिए मैं कल आपसे बात नहीं कर सका। एक तरह अच्छा है मैं आपसे नहीं बात कर सका क्योंकि कल में बड़ा गुस्सा था मेरे में जो मेरे घर से हुआ, और गुस्से में इंसान को बात नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी कौम के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम मुझे 50 साल से जानती है। कोई और पाकिस्तानी नहीं है जिसको 50 साल से कौम जानती हो। 50 साल से मैं मीडिया पे हूं, मेरी जिंदगी पब्लिक है, छुपी हुई जिंदगी नहीं है। जो मैं था कौम जानती है, जो था कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। बाहर के अखबारों में इंटरनेशनल मेरे ऊपर तफसरे हुए हैं, वहां भी बात करते हैं मेरी क्या ताकत और कमजोरी थी, लेकिन एक चीज 50 साल में सारी कौम जानती है कि इमरान खान ने कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। कभी भी इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था मैच फिक्सिंग में इमरान खान का नाम नहीं आया। अगर कोई क्रिकेट दुनिया में जानता था इमरान खान को क्रिकेट के अलावा, तो ये वो कप्तान जानता था जो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, यानी कि मुनसिफाना फैसले हो क्रिकेट में। पहला कप्तान था दुनिया में जिसने कैंपेन चला के, और आज अगर क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं तो वो इमरान खान की वजह से, कि जीते भी तो हम ईमानदारी से जीते। उससे पहले पाकिस्तान में जब कोई टीमें मैच हारती थी वो कहती थी अंपायरों की वजह से हार गए। इमरान खान के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो आज यहां जमान पाक में बैठा हूं, मैं अपनी कौम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, 96 दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, गद्दारी, हर किस्म का केस। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं और नए केसेस हो जाते हैं, और केस कौन कर रहे हैं ये जरा गौर से सुने। केस वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, 30 सालों से साबित कर रहे हैं। अगर आपने ये चेक करना है, अगर आपने ये पता चलवाना है कि क्या ये मुजरिम है या नहीं है, तो सिर्फ एक काम करें, जो गूगल करें, क्योंकि आप सोशल मीडिया में जो मेरे नौजवान देख रहे हैं सोशल मीडिया में, सिर्फ गूगल कर लें कि इंटरनेशनली इन लोगों की क्या रेपुटेशन है। किताबों में इनकी चोरी का जिक्र है, नवाज शरीफ की चोरी का किताबों में जिक्र है, अखबारों में, बाहर के अखबारों में, कैपिटल्स, एक्लीज, हील, वो पढ़ लें, वे ऑफ द वर्ल्ड वो पढ़ लें, सुस्किन की किताब, अखबार डेली मेल पे इनके आर्टिकल्स पढ़ लें। मैं बाहर की बातें कर रहा हूं, इनकी बकायदा करप्शन के ऊपर इनकी कहानियां लिखी हुई हैं कि कैसे मुल्क से पैसा चोरी करके ये बाहर लेके गए हैं। जरदारी को मिस्टर 10% अखबारों में बाहर आया हुआ है कि इससे हाथ मिलाते हुए ये कहीं गया, डरना कि तुम्हारी उंगलियां आज ये चोरी कर ले, ये इनकी रेपुटेशन है। ये आज एक आर्मी चीफ ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए, गद्दारी किया मुल्क के साथ इन चोरों के ऊपर बैठा के, और इन्होंने नीचे सारा चोरों का और मुजरिमों का सेटअप ले आए। सनाउल्ला जैसा आदमी किसी फैसलाबाद में पूछे कि कौन सा जुर्म है जो इसने नहीं किया, शरीफों का पूछे, जरदारी का जरा सिंध में पूछे कि इसने क्या 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 जुल्म लोगों के ऊपर नहीं किया। इनको पीछे से जो अपने आप को मुल्क के महाफिज कहते हैं ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे, और वो क्या कर रहे हैं आज, वो केसेस कर रहे हैं, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान रास्ते से हट जाए,
मेरे ऊपर कातलाना हमला इन्होंने करवाया था और इनके साथ पीछे हैंडलर था। उसके बाद कवर अप ये अब कर रहे हैं, ये अपना आदमी बैठाया मोहसिन नकवी, जो आसिफ जरदारी को बाप माने या वो उसको बेटा माने वो क्या होगा, खुद कौम बता दे मुझे। वही आसिफ जरदारी को इसी नवाज शरीफ ने दो दफा चोरी में जेल में डाला था, वो आज अपना बाप मानता है उसको, उसका क्या कैरेक्टर होगा? उसके ऊपर मुसल्लत किया गया, वो पुलिस ऑफिसर्स को यहां मुसल्लत किया जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया। और ये इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि हमने कहा हजारों ऑफिसर्स लगा रहे हैं आप, लेकिन ये 23 ऑफिसर्स ना लगाएं जिन्होंने हर किस्म का तशद्दुद किया था हमारे ऊपर, तकरीबन सारों को लगा दिया ऊपर। और मैं अभी उसके ऊपर आता हूं कि फिर हुआ क्या, क्योंकि मैं आज आपको खुल के बात करना चाहता हूं कि मुल्क हमारे से हुआ क्या, ये मुल्क से क्या हो रहा है और ये मुल्क जा किधर रहा है। और अगर अगर वो जो लोग फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, अगर आज आप नहीं जागेंगे आप जिम्मेदार होंगे इस मुल्क की तबाही के। अब होता क्या है यहां, जरा मैं आप सबको सीक्वेंस बताता हूं कि हुआ क्या। 8 मार्च को इलेक्शन अनाउंस 30 अप्रैल के हो जाते हैं, 8 मार्च को हम कहते हैं कि जी हम अपनी इलेक्शन की कैंपेन एक रैली से शुरू करेंगे लाहौर में। ये जरा एक एक चीज देखें और एक भी चीज मैं आपके सामने कोई गलत हो झूठ हो एक भी गलत साबित कर दे कोई। हमने फैसला किया 8 को, 7 की रात को पुलिस के साथ बैठ के पूरा तय किया गया कि किधर किधर से रैली जाएगी और पुलिस ने अप्रूव कर दिया, परमिशन मिल गई। अगले दिन रैलीज आ रही होती हैं, मुझे यहां जमान पाक पे कि हम अपना शुरू करें रैली, उससे पहले सारे कहते हैं जी अब पुलिस नफरी सारी जगह आ गई है, हर जगह कंटेनर लगने शुरू हो गए। हमें रान के हमें तो परमिशन दे दी थी। जब पहले पुलिस खड़ी हो जाती है और राइट में पूरी वो पहन के हेलमेट, एकदम पता चलता है जी दफा 144 लग जाता है। इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए दफा 144 कैसे लग सकता है, कभी पाकिस्तान की तारीख में लगा? उसके बाद वो रैलीज आ रही हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन शुरू हो जाती है और टेयर गैसिंग शुरू हो जाती है, वो सारे वहां रुक जाते हैं। हम सब हैरान, मैं ये इंतजार कर रहा हूं रैलीज का, 3:30 बजे मुझे आना था उन्होंने लेने के लिए। अगले एक घंटे में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी वहां टेयर गैसिंग हो रही है, मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस। यहां वर्कर्स खड़े हो जाते हैं कि जी क्या इंस्ट्रक्शंस है, मैं 5 बजे अपनी रैली कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब ये इश्तियाल दिलवा रहे हैं कुछ भी हम करेंगे ये मजीद और बिगड़ेगी, क्योंकि इन लोगों का एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना हो। तो मुझे पता था, मैंने फौरी कैंसिल किया कि इंतजार ना हो, क्योंकि बहाने ढूंढ रहे हैं जी पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए, ओ जी यार सिक्योरिटी सिचुएशन है इलेक्शन के लिए, हर किस्म का बहाना इस्तेमाल किया जाए किसी तरह ये मुजरिम पेशा लोग इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि 37 बाय इलेक्शंस में से 30 हार चुके हैं, इसके बावजूद कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट की मदद थी इनके साथ, इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहा था, उस सब के बावजूद ये 30 इलेक्शन हार गए 37 में से। तो ये तो भाग रहे हैं इलेक्शन से, जो आखिरी इलेक्शन हुआ उधर तो खुल के सब सामने आ गए, हर किस्म की और 40,000 से हार गए, इसलिए डरे हुए थे, हमें पता था, इसलिए मैंने रोक दिया। अगले दिन हमने कहा जी अगले दिन हम करते हैं, अगले दिन फिर पता चला जी नहीं जी आज पीएसएल का मैच हो रहा आप भी कर सकते हैं, चलो जी फिर हमने नहीं की, हमने कहा चला अगले दिन चले जाते। उसके अगले दिन हमारी रैली होती है और माशाल्लाह बड़ी लाहौर की पब्लिक, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, भरपूर तरीके से शिरकत करती है उसमें। मुझे तब ही शुरू हो गया था कि इनको खौफ आना शुरू हो गया, और उसके बाद ये मेरे घर के ऊपर ऑपरेशन शुरू होता है। और मैं आपको ऑपरेशन अब बताऊं क्या ऑपरेशन था, जरा आप पहले समझ रहे कि ये जो रेंजर्स आ गए हैं, 72 बंद गाड़ियां मेरे घर, 3 तरफ से जमान पाक के ऊपर पुलिस की हजारों अटैक कर रहे हैं, था क्या इशू? ये था कि इस्लामाबाद के एक कचहरी के अंदर
मैंने उनको यह कहा था कि यहां से केस शिफ्ट कर दें, क्योंकि हुकूमत कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रही थी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो तो सारे इक्तदार में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहां यह कहा कि ये शिफ्ट कर दें केस, और मैंने सिर्फ हाजिरी लगानी थी, वहां कोई ट्रायल नहीं होनी थी, मैंने सिर्फ जाके अदालत में हाजिरी लगानी थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ये शिफ्ट कर दें यहां, क्योंकि वह दो दफा दहशतगर्दी के अटैक हो चुके हैं जिधर जज भी शहीद हुए और वुकला भी शहीद हुए, तो पता है कि वहां कोई कोई भी किसी को अगर वहां आप चले जाएं तो वहां तो डेथ ट्रैप है। तो सिर्फ उसके लिए मेरे ऊपर वारंट निकाल दिए गए, और वारंट लेके ये यहां पहुंच गए, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट। अब ये सुने हैं, ये जो सारी फौज पहुंच गई जमान पाक, एक मैजिस्ट्रेट के वारंट थे ये वारंट, इसके ऊपर सुनाव लॉ के ऊपर भी निकले हुए हैं। उसे क्यों नहीं पकड़ा है? वो कहते जी, पुलिस वाला कहते जी हमें वो मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं किधर है वो। तो ये ऐसे नहीं आए सारे, जो फिर यहां जमान पाक में हुआ, जिस तरह का हमला किया गया नवा जमान पाक, टेयर गैस, इतनी टेयर गैस के यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने दिखाया कितने शेल्स मारे घर के अंदर, वाटर कैनन्स लोगों पर मारी, वो वाली असल गोलियां भी चलाई, कारतूस भी चलाए, रबर बुलेट्स भी चलाई। और उसके बाद यहां मेरे घर के ऊपर मुसलसल हमले होते रहे। कभी आज पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि एक पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ उसने हाजिरी लगानी थी इस्लामाबाद में, जो मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं 18 को, जो मैं कल गया हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं नहीं जा रहा, मैंने अश्योरिटी बॉन्ड दिया। कानून यह कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दे, जो मेरे वकील इश्तियाक खान ने दे दिया था, वो अच्छा टीवी पे बताया, जान के डीआईजी ना मिले, हम टीवी पे बताया कि हम अश्योरिटी बॉन्ड दे रहे हैं, और कानून यह कहता है कि अगर आप अश्योरिटी बॉन्ड दे दें तो उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, वो जान के ना मिले। क्योंकि उनका मकसद यह नहीं था कि कोई इंसाफ के लिए मुझे लेके जा रहे थे, उन्होंने मुझे यहां पकड़ने आए थे, और पकड़ के लेके जाना था इन्होंने बलूचिस्तान। और उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा केसेस थे कि इन्होंने जेल में ही रखना था जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए, कि ना मैं पार्टी टिकट्स दे सकूं, पीछे जो भी होता है अफरा तफरी के अंदर दो और लीडर्स पकड़ लें। और सिर्फ कोशिश यह थी कि किसी तरह इमरान खान को, वो जो झूठों की शहजादी, झूठों की मलका जो सारा वक्त लगी रहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ, और वो जो एक सजा याफ्ता जो 30 साल से इस मुल्क के पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन रह रहा है, उसके सारे केसेस खत्म करो और वो यहां वापस आए। ये है लंदन प्लान और लेवल प्लेइंग फील्ड। तो यहां सबको पता चल गया कि इनका मकसद, जब इन्होंने जब नहीं इश्तियाक खान की मेरी तरफ से अश्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, तो हमें सबको पता चल गया कि तो बदनीयती है, ये तो पकड़ने आए हैं। अब यहां जो लोग लड़े हैं वो इसलिए नहीं लड़े कि उनको कोई पुलिस से बचना था, या उनको कोई खतरा था कि इमरान खान ने कोई मुजरिम जुर्म किया और ये अदालत से डर रहा है मुझे वो टिश्यू देना, उनको ये डर नहीं था। उनको ये डर था सारे लोगों को बाहर कि मैं अभी तक यहां उसका पता नहीं क्या इन्होंने छोड़ा हमारा फैक्टर उसका, उनका सबको ये खौफ था कि ये बदनीयत लोग हैं, ये इमरान खान को जेल में डालेंगे, तशद्दुद करेंगे, जिस तरह आजम स्वाति से किया, शबाज गिल से, इसलिए तो वो मरने के लिए तैयार हो गए। उनको इनकी नीयत पे शक था कि एक अगर हजारी हाजिरी लगाने के लिए मैंने इस्लामाबाद जाना है, जो मैं कह रहा हूं मैंने जाना है, श्योरिटी दे रहा हूं, तो फिर ये क्या करना, ये क्यों इस फोर्स पे तीन तरफ से जमान पाक को अटैक हो रहा है, जिस तरह को किला नमाज जमान पाक, हजारों रेंजर्स आ रहे हैं, बत्तर बंद गाड़ी आर्मर्ड कार के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो दीवारों से छलांग मार के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह को पता नहीं कोई कमांडो एक्शन होने लगा। और जो लोग यहां खड़े हुए वो सिर्फ इसलिए, उनको खौफ था कि यहां कानून नाफिज करने नहीं आ रहे, अखवा करने आ रहे हैं, ये कत्ल करेंगे,
इन्होंने पहले भी इन्हीं लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया है, इस वजह से नहीं लोग ये खड़े हो गए यहां। मैंने दो दफा उनको कहा कि मुझे इतनी ज्यादा नफरी थी और थोड़े से लोग थे, मैंने दो दफा इन्हें कहा कि देखे मैं तैयार था, मेरा बैग, मैं जाता हूं। वो मरने के लिए तैयार हो गए, मुझे कहते कि नहीं आपने नहीं निकलना, यहां खड़े हो गए। तो क्यों थे? क्योंकि ये आज मुल्क के हालात हैं। अपनी लॉ एनफोर्समेंट से शक है लोगों को, जिन लोगों ने हमारी हिफाजत करनी है वो उनके ऊपर ही शक है कि वो कातिल हैं, ये खौफ आ गया है, इसलिए वो खड़े हुए यहां। और फिर अगर मुझे कोई शक था, किसी को भी कोई शक था, मुझे तो खैर कोई शक नहीं था कि किस नीयत से आए हैं। मैं अब इस्लामाबाद जाता हूं, कल मेरी पेशी थी, मैंने पहले कहा हुआ था। मैं जब घर से निकला तो मैं अपनी बीवी को खुदा हाफिज कह के, हम दोनों खुदा हाफिज कह के क्या निकले, मुझे पता था या अब इन्होंने मुझे जेल में डालना है और या कत्ल करना है, ये मुझे पता था, तब मैं यहां से निकला। उसके बाद जब हम पहुंचे, जब हमारी गाड़ी पहुंची पर थोड़े से लोग हमारे साथ थे, अल्लाह ने बचा लिया, बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, सामने वाली गाड़ी उल्टी और अल्लाह ने बचाना था, बचाया उसने। जब मैं पहुंचा टोल प्लाजा के पास, मुझे कोई शक उस वक्त नहीं था कि इनकी नीयत क्या है। सारा मोटरवे बंद कर दिया। अब जरा ये सुन ले पाकिस्तानी हो कि कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है कि एक आदमी सिर्फ हाजिरी लगाने जा रहा है अदालत में और उसी मैजिस्ट्रेट ने फिर शिफ्ट किया केस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि वहां तो, क्योंकि जिम्मेदारी तो उसकी होनी थी, लोगों ने सब बोल पड़े कि अगर उसको कुछ वहां हुआ तो वो जिम्मेदार होगा, तो उसने डर के शिफ्ट कर दिया जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरी हाजिरी थी। अब पुलिस अदालत देखें, मोटरवे बंद हुआ हुआ, सिर्फ एक लेन रखी हुई है, सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से 30-40 गाड़ियां थी उनको बंद कर दिया जाए, तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला, मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया, पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां। उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत, अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं एफसी, उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे कंटेनर्स, यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके उधर फिर उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत, यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया, ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था, वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलोचिस्तान लेके जाना था, ये इनके दो प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए, तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला सबको, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे, अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने जरा, आगे हम जाते हैं वह फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से, जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग हमारे मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्योंकि फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। मैंने, हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो, मैं क्या वहां
अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया और वही वापस आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं, कोई कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तियाल दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। अब मैं गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब हम पहुंच, मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद, तो इन्होंने मेरे वारंट डाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना। अब मैं वहां से फिर चला और पुलिस की रुकावटें कंटेनर्स करते करते फिर करीब गया उसके, अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में। जब वहां पहुंचे कंटेनर्स, टेयर गैस शेलिंग फिर शुरू हो गई चारों तरफ, अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे, दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ और फिर से यार ये कुछ ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी FC पुलिस फोर्स बंद हुआ हुआ सारा, हाजिरी लगाने के लिए मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के। उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टेयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर, हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया, और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था, अब जब इन्होंने मुझे अब वहां, अच्छा वहां पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। अब दरवाजे पे हम खड़े हैं और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। होना क्या था, वहां रिएक्शन आना था लोगों का, जो लोग ऊपर तो सारे चढ़े हुए थे, जो रिएक्शन आना था इन्होंने उस रिएक्शन के अंदर प्लान करना था, किसी तरह ये उतरे, इसे कत्ल करें और कहें जी ये इंतजार हो गया, उसे मारा गया। पूरा प्लान बना हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं पहले कहता गया, 2 महीने पहले कहता गया मुझे, जब इन्होंने कत्ल करने की कोशिश, उससे पहले कहता गया कि इनका प्लान बना हुआ है, दीनी इंतहा पसंद के जरिए उसका नाम लेंगे कि जी बहाना मारेंगे, दीनी इंतहा पसंद है, प्लान इन्होंने किया था कि मुझे कत्ल करना है। मैं 2 महीने पहले कहता गया और वो हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं क्योंकि ये खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान जिंदा रह गया तो ये जो इलेक्शन है ये तो जीत जाएगा, चाहे वो जेल में भी हो। डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आ गया तो इनका क्या बनेगा। ये सिर्फ जाती मुफादात, ये 2 खानदानों को अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है जो उन्होंने 30 साल की मेहनत से चोरी करके बाहर लेके गए मुल्क से, और यहां और भी लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो शायद पता नहीं क्या कर देगा वो। तो उस खौफ से ये एक ही रास्ता इन्होंने ढूंढा होगा कि इसको हटाए, और ये लोगों को भी पता था। जो मैंने कल इस्लामाबाद में वहां देखा है, मैं आज आपको ये कह दूं कि जो जिस तरह इन्होंने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, लाठी चार्ज की, जो मैंने लोगों की उस वक्त उनका जो जज्बा और उनकी जो शक्लें देखी, उनको किसी चीज का खौफ नहीं था, वो खौफ खत्म हो चुका है। अगर मैं गाड़ी वहां तेजी से बाहर ना निकालता, मैं आज आपको कह रहा हूं कि वहां वो होना था, सीधा सीधा खून होना था। इन्होंने उनको इश्तियाल दे रहे थे, उन्होंने रिएक्ट करना था और उसके अंदर वो सबके हाथ से गेम चली जानी थी। मैं गाड़ी में बैठा था, मैं क्या कर सकता था, मुझे तो नहीं पता, ना मैं कुछ कर सकता था ना मैं बोल सकता था, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। वो तो बाद में मैंने तस्वीरें देखी हैं जो सोशल मीडिया पे आए, मुझे अंदाजा हुआ कि हुआ क्या वहां। वहां कत्लेआम होनी थी और ये सारा मुल्क में फैल जाना है। ये जो आप हालात हैं, ये मैं आखिर में आपसे एक बात करूंगा कि ये इस वक्त अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात, और ये नजर आया है वहां जो हुआ है, जो कल इस्लामाबाद में जो कल हुआ है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होना था अगर वो आगे चली जाती चीजें। हम बाहर निकले, इन्होंने टेयर गैस शेलिंग की, हम उधर गए और शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि
हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली। शुक्र है तब तक लोग जख्मी हुए हैं, हमारे लोग इन्होंने वहां से पकड़ लिए। अब उसके बाद अब मैं आता हूं जो मुझे जो सबसे कि शुक्र है मैंने कल आपके सामने नहीं आया, क्योंकि मेरे जो गुस्सा और जज्बात थे वो उस सतह पे पहुंच गए थे, मैं शायद कोई ऐसी बातें कर देता जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब जब मैं वहां जाता हूं, उधर मैं पहुंचता हूं टोल प्लाजा पे, तो मुझे पता चलता है कि जमान पाक के ऊपर एक पुलिस का पूरा अटैक होता है और पुलिस के अटैक से मेरा पहले दरवाजा तोड़ते हैं, घर का दीवार तोड़ते हैं और पता नहीं कितने पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं। और घर में उस वक्त कौन था? सिर्फ बुशरा बेगम और उनके साथ दो तीन मुलाजिम, एक चौकीदार था, एक खनसामा था, बाकी वहां बाहर लड़के खड़े थे जो हमारे कारकुनों के 5, 6 या 10 होंगे, वो अंदर आ गए जब इन्होंने पूरा पुलिस का अटैक आया। सारा जमान पाक सील कर दिया, कंटेनर लगा दिए, पता है कि मैं नहीं हूं। मैं आज अपने पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, अब मैं सबसे आज पूछना चाहता हूं, मैं अपने आर्मी ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के जजेस से पूछना चाहता हूं, मैं इस मुल्क के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताएं कि हमारे दीन के अंदर जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है चादर और चार दीवारी की, क्या अगर आपके घर यह होता कि पता होता पुलिस को कि आप घर में नहीं है और वो सर्च वारंट के बगैर इस तरह दीवारें तोड़ के घर में आते, जब सिर्फ पता है कि एक पर्दादार, एक ऐसी खातून जो दुनियादार नहीं पर्दादार है, जो ना सियासत में है ना उनका कोई ताल्लुक है किसी चीज से, जो घर में रहती है, वो घर में हो, उनके साथ सिर्फ मुलाजिम हो और इस तरह पुलिस दरवाजा और दीवार तोड़ के घर में आ जाए। मैं आप सबसे पूछता हूं आज, आपके ऊपर क्या गुजरेगी बताएं? अगर आपके अंदर गैरत है और बेगैरती और गैरत के अंदर फर्क इंसानों में यह है, एक बेगैरत लोग होते हैं और एक गैरतमंद लोग होते हैं। जो भी ला इलाह इल्लल्लाह जिसके दिल में होता है, हदीस है कि यह गैरत डाल देता है इंसानों में, उसके खौफ दूर कर देता है। तो जो चादर और हमारी इस्लाम की जो ट्रेडिशन है, छोड़े इस्लाम, दुनिया में ये ट्रेडिशन है, एक घर की खातून जिसका कोई लेना देना किसी से नहीं, वो अकेली घर में है और इनको पता है वो अकेली घर में है, क्योंकि पता है कि मैं गया हूं इस्लामाबाद, इस तरह का घर में करना, मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी? मैं अपने आर्मी ऑफिसर से पूछ रहा हूं, आपके ऊपर क्या गुजरेगी? मुझे ये बताएं, पुलिस वाले, आप ऑफिसर्स, आपके घर में ही हो, अगर आप में गैरत है, लेकिन कई ऑफिसर्स बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी अक्सरियत है इस मुल्क में वो गैरतमंद लोग हैं, ला इला इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, क्या वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि जब मैं वहां टोल प्लाजा पे खड़ा हूं और मुझे पता चलता है कि मेरी बीवी अकेली घर में है और वहां ये पुलिस हल्ला बोल देती है और उसके उनके शीशे के बाहर आवाजें आ रही हैं, बेचारे 5-6 वो बच्चों को पकड़ के मार रहे हैं जोर से, उनकी चीखों की आवाजें आ रही हैं और सारे घर के इर्द गिर्द फिर रहे हैं और लूट रहे हैं घर को। यानी इतने बेशरम, ये पुलिस का काम है कि घर को लूटना? हर चीज जो इनको मिली लूट के ले गए, कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? याद रखें, ये मुल्क का एक बड़ा ख्वाब था, कायदे आजम जो इस मुल्क के, जिन्होंने जद्दोजहद, पता था कैंसर से मर रहे हैं उसके बावजूद उन्होंने पूरी जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने के लिए, क्या ये इसलिए ये मुल्क बना था कि ये तो जंगल का कानून, ये तो बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं होता,
मुझे बताइए किस मुल्क में होता है। और ये आप जरा सुने, कानून क्या था। परसों रात मैं जाता हूं लाहौर हाईकोर्ट में शाम को, वहां के जज साहब तारिक सलीम वहां इनके गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल जो असिस्टेंट थे उनके सामने वो क्या कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान के घर में जाना है किसी चीज की तफ्तीश करने, तलाश करने, तो उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट का एक एसपी पुलिस, उसका नाम भी लिया, उसका नाम लिया, वो जाएगा, एक हमारी तरफ से होगा और वो तफ्तीश करेगा जाके। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मेरे घर में तो सारी फौज आ गई एक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ऊपर। मैं एक मैजिस्ट्रेट की वो साइन करने के लिए यहां यहां भी और उधर सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तो जो हाई कोर्ट के जज साहब ऑर्डर करते हैं कि इमरान खान के घर की अगर आपने तफ्तीश करनी है तो वो बताते हैं कि एक ये एसपी पुलिस आएगा और दूसरा हमारी तरफ से कौन होगा। अब मुझे ये बताएं कि कोई इनको शर्म नहीं थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर, जब इनको पता था कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुबह, क्योंकि बदनीयत और बेगैरत लोग हैं ये जो आईजी है सबसे बड़ा, इनको शर्म नहीं आई कि ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट गए और एंटी टेररिस्ट कोर्ट को कहते हैं कि जनाब हमने सर्च वारंट करनी है इमरान खान की। ये सर्च के नाम पे हुआ था, ये जो लूट मार हुई है मेरे घर में, और ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट क्या कहता है, ये एंटी टेररिस्ट सर्च वारंट कहता है मैं तुम्हें इश्यू कर रहा हूं इंचार्ज इन्वेस्टिगेटिंग, जो इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये सुन ले जरा, जो इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन का वो ऑफिसर, उसने एक लेडी पुलिस ऑफिसर से आना था यहां और वो होनी थी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। सो दो लोगों ने आके मेरे घर में रिसर्च करनी थी, ये इनको इन्होंने छुपाया, जो हाई कोर्ट का है ये पुलिस, ये बदनीयत आदमी ने छुपाया जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था, उसको छुपा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं कि जी हमने यहां तफ्तीश कर सर्च करना है। और वो भी कहता है कि सिर्फ दो, एक खातून ऑफिसर आ सकती थी और एक और सर्च ऑफिसर। यहां जो है सारी फिल्में हैं इस ऑफ, यहां क्या होता है, ये कैसे आ जाते हैं, किस कानून के तहत आते हैं और किस कानून के तहत घर को लूट के लेके जाते हैं, चीजें लूट, किस मेरा दरवाजा किस कानून के तहत तोड़ा, क्या किसी ने कहा था कि आप नहीं आ सकते, और क्या शर्म नहीं आई इनको, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि यहां एक खातून जो पता है कि हस्बैंड नहीं है घर पे, पता होते हुए जो आके इन्होंने यहां किया, कोई शर्म कोई गैरत नहीं थी इन्हों में, और इनमें नहीं होगी, क्योंकि बेगैरत लोग ऐसी हरकतें करते, बेगैरत लोग बुजदिल होते हैं, झूठे होते हैं। और ये जो आईजी है ये बैठ के जो झूठ बोलता है, किसी, जब आप गैरत होती है ना आपने, आप झूठ बोलते हुए डरते हैं, आप क्यों डरते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपका झूठ सामने आ गया तो आपको उस दुनिया के सामने शर्म आएगी। जब आप बेशर्म होते हैं तो तब आप ऐसी बातें कहती हैं कि जी मेरी तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जब आपके चार महंगे तरीन लंदन के इलाके में घर है, जो भाई साहब आपका कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के हैं वो, तो कोई शर्म नहीं होती, तो तब आपके पास अगर शर्म नहीं है आप कुछ भी कहते हैं। तो झूठ पे झूठ बोलने वाला आदमी, शर्म नहीं इसको आई कि जिले शाह जैसा एक मलंग, एक आदमी जिसके पास सिवाय प्यार के कुछ भी नहीं था, एक स्पेशल पर्सन, सारे यहां जो बाहर थे उसको सब प्यार करते थे क्योंकि वो सबको प्यार देता था, उसको तशद्दुद करके कत्ल किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सारे सोशल मीडिया पे है कि किस तरह उसको कत्ल किया गया। और ये पहले मेरे ऊपर केस लगा देता कत्ल का उसका, और फिर तीन दिन के बाद कहता है दान निकाल के, नहीं जी वो तो एक्सीडेंट हुआ था। इस तरह के ऑफिसर्स को अगर पुलिस को खुद निकालना चाहिए क्योंकि सारी पुलिस को बदनाम कर रहा है। ये वो लोग हैं जो जरायम पेशा हैं, जिनको ऐसे लोगों को, ये शरीफों को पसंद है या जरदारियों को पसंद है, क्योंकि वो भी जरायम पेशा हैं, उनको भी इस तरह के लोग पसंद हैं जो टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं और शर्म नहीं आती उनको। और फिर यहां आके जी क्लैशनिकॉफें मिल गई, तो जी यहां आके कोई पता नहीं शराब की बोतलें मिल गई,
फिर पेट्रोल बॉम्ब मिल गया। और अहमको, पेट्रोल बॉम्ब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बोतल में तेल डाला और उसको फेंक दिया, वो पेट्रोल बॉम्ब होता है। कभी प्लास्टिक की बोतल में भी पेट्रोल बॉम्ब आया? झूठ बोलने नकल में भी अकल चाहिए। इस तरह के लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि जी प्लास्टिक बोतल में, प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल बम दिखा दिया, तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा, क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। यहां के जाके झूठ बोल रहे हैं जी क्लेशनिकोव मिल गई और ये मिल गया। कितनी दफा इमरान खान ने कोई गोलियां चलवाई हैं और इंतजार फैलाए? बताए ना, 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, बताए ना मुझे कितनी दफा किया। और मैं आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि अब वक्त आ गया है। मैंने अपने सारे आज वकील इकट्ठे किए, हमने एक एक ऑफिसर जो पुलिस वाला यहां घुसा है उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। मैं इलेक्शन कमीशन को आज पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती जिस तरह की आपने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई है? हमने पहले दिन से आपको कहा कि ये जो आदमी मोहसिन नकवी जो आजरदारी का बेटा है, क्या ये न्यूट्रल केयरटेकर बनेगा? इस तरह का कैरेक्टरलेस आदमी जिसके अंदर कोई इखलाकियात ही नहीं है, क्या इसको यहां ऊपर बैठा के ये इलेक्शन करवाएगा? वो सारा कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन करवाने के। क्या इलेक्शन कमीशन आपको समझ नहीं आ रही कि अपनी आप कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं, मुल्क में अपने आप को कैसे नंगा कर रहे हैं? ये क्या केयरटेकर गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये किया? इस तरह की इंतकामी कार्रवाई कभी किसी केयरटेकर ने गवर्नमेंट ने किया? क्या ये काम है केयरटेकर गवर्नमेंट का? ये ऑफिसर्स लगाने का आपकी जिम्मेदारी है? ये सारा जितना वो जिले शाह का खून और जो लोगों को मारा है वो आपके ऊपर भी है। इसके ऊपर नकवी और ये मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह, हमारा कत्ल का होगा जिले शाह का, ये आईजी इसके ऊपर भी केस होगा और जितने पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं हम सब पे केस करेंगे। मैं अपनी आज अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा ये आपके लिए चैलेंज है। मुझे पता है ये सारी फोर्सेज एक तरफ हैं, मुझे पता है ये नामालूम अफराद पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। आप सिर्फ अदालतें बचा सकती है। यहां जंगल का कानून जो आ गया है, जो जो मर्जी जिसका चाहे, अगर इनको फिक्र होती कि इनको इनसे इंसाफ किया जाएगा, इनका एहतसाब किया जाएगा, तो ये करते ही जो इन्होंने किया, दान निकाल के लूट रहे हैं घर को, डंडे मारे बेचारे 5-6 वर्कर्स। और फिर वो जो झूठों की मलका है उसको शर्म नहीं आती कि इंतजार फैला रही है पाकिस्तान में कि जी वो पश्तूनों को कह रही है दहशतगर्द आ गए। ये काम है उन लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ जात के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स के लिए, पैसा चोरी किया और बाहर भिजवा दिया, महंगी महंगी चीजें खरीदी, ये बाहर इनके बिजनेसेस भी बाहर, प्रॉपर्टीज भी बाहर, बैंक बैलेंसेस भी बाहर, सर्जरीज भी बाहर। इनको पाकिस्तान की क्या फिक्र है? इनको तो सूट करता है कि इंतजार फैलाओ, जाग पंजाबी जाग, वो कोई कहता है सिंधु देश, जब मुसीबत पड़ती है क्यों करते हैं, तकसीम करते हैं, सिर्फ अपनी जात के लिए करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया था, रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, यूनाइट करते थे इंसानों को, वो लीडर की निशानी है। अल्लाह का करम है, ये तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान को कौम बना रही है। या हर किस्म के लोग थे, पश्तून थे, पंजाबी थे, सिंध से लोग आए थे, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए थे, आजाद कश्मीर से लोग आए हुए थे। कौम बन रही है, जुल्म के खिलाफ कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी हो रही है, जाग रही है कौम। सबसे बड़ा तो इस अंधेरे के अंदर यह रोशनी है कि एक जागी हुई कौम आपको सामने नजर आ रही है, खौफ का बुत तोड़ रही है, फैसला कर लिया कि हकीकी आजादी मिलेगी, नहीं तो हमें जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने गुलामी नहीं करनी। ये वो कौम बन रही है। और ये सारा वक्त जो झूठों की मलका फिर रही है कि ये कर दो, उसको जेल में डाल दो, वो कर दो, मेरे बाप जो सबसे बड़ा चोर है उसको छोड़ दो, लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, और इसके हुक्म सुने जा रहे हैं। कौन सुन रहा है इसके हुक्म? क्या वो जो लंदन प्लान का हिस्सा है वो सुन रहे हैं? क्या आपको ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान करीब आ गया है
उसके करीब आ गया है कि ये सबके हाथ से, मैं फिर से कहता हूं, गेम निकलने लगी है। मैं जब यहां अंदर बैठा था सारी रात, यहां जो इन्होंने हमले किए मेरे घर के ऊपर बार बार, रेंजर्स पुलिस, क्या मुझे पता था बाहर क्या हो रहा है? क्या मेरे कंट्रोल में था उस वक्त क्या हो रहा है? मेरे तो जब तक कंट्रोल में चीजें हैं तो मैं तो उनको पुरमन आइन के बीच में रखता हूं। लेकिन जब यहां आप इंतजार फैला देंगे, जो कल हुआ है वहां इस्लामाबाद में, तो ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और ये जब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ये श्रीलंका को आप भूल जाएंगे, ये वो जाएगा जो ईरान का इनकलाब है। आज लाहौर के अंदर गंदम की बोरियों, आटे की बोरियां लूटी गई हैं। इन्होंने आके मुल्क का मायशत तबाह करके रख दिया, महंगाई वहां पहुंचा दी। आज आटा जो हमारे दौर में 55 रुपए किलो बिक रहा था, आज एक दिन में 50 रुपए बढ़ गया, पहले ही 110-115 रुपए का था। तो ये जिस तरफ जा रहा है, यहां तो तबाही मचने लगी है कि पहले तो महंगाई इतनी, बेरोजगारी साथ, लोगों के हालात बुरे, ऊपर से ये जुल्म करें कि जो बात करेगा उसके ऊपर डंडे बरसा दें, उनका मुंह बंद कर दें, चैनल्स बंद कर दें, जो इमरान खान को चैनल दिखाती है उसको बंद कर दें, जो एंकर बात करता है उसके पीछे पड़ जाएं, अरशद शरीफ को कत्ल करवा दें भाई। और सिर्फ मकसद है कि किसी तरह मुंह बंद हो, हम कंट्रोल कर सकें। ये कोई कंट्रोल अब नहीं कर सकता। जो मैं हालात देख रहा हूं पाकिस्तान के, ये अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रास्ता एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन का। और अगर इंशाल्लाह, अगर इंशाल्लाह बुध को हम मीनारे पाकिस्तान करें, और मैं आपको यह भी कह दूं कि इन्होंने हमारे से एग्रीमेंट की कि पीर को इन्होंने हमें मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने देना है, और फिर गए उधर से, फिर कैंसिल कर दिया। अब हम बुध को कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान, और मैं चाहूंगा कि सारा पाकिस्तान देखे। रेफरेंडम होगा वो कि कौम खड़ी किधर है, सारों को पता चलेगा कि मुल्क किधर, अवाम किधर खड़ी है, और ये जो चोरों का टोला और जराइम पेश टोला है और इनके जो हैंडलर है वो किधर खड़े हैं। अपनी किबला दुरुस्त करें, वो स्टेज ना आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे जो आप सोच रहे हैं कि हम डंडे मार के ये भेड़ बकरियों को कंट्रोल कर लेंगे, वो भेड़ बकरियां तब तक रहती है जब तक शऊर नहीं होता। जब इंसान में शऊर हो जाता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। वो जब शऊर का जिन बोतल से निकला आता है वो वापस नहीं डलता। मैं जो ये देख रहा हूं और जो कल मैंने देखा है, ये अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। FIRs पे इमरान खान के 96 FIRs कर दिए। जब बाहर निकलता हूं FIR, तो क्या इससे कुछ रुक जाएगा? क्या इमरान खान को आप जेल में डालेंगे बलोचिस्तान में, कुछ रुक जाएगा? हां, कत्ल का आपका प्लान बना हुआ है, वो कत्ल करेंगे, उसके बाद क्या होगा? सोचा है क्या? सोचा है? वो नवाज शरीफ कहता जी 15 बेनजीर को 15 दिन लगे थे सबको चुप होने में, यहां एक महीना लग जाएगा। वो उसने तो बाहर भाग जाना है, इन्होंने भी अभी थोड़ी देर के बाद बाहर भाग जाना है। जिन्होंने इस मुल्क में रह रहे हैं, और मैं वो पुलिस वालों को कह रहा हूं, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आज से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे केसेस आपके, और आप सबको हिसाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं लाहौर के लोगों को मीनारे पाकिस्तान में, बुध को आप सबसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।